जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएड से संबंधित। एमएड ने अपना ऑफिशियली एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया कि 11 तारीख से एमएड फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे हम तो 11 तारीख का आपका पहला पेपर है, एमएड का फर्स्ट पेपर, इंडियन फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, मैं इसके पेपर को पढ़ रहा था, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहा था। तो दो ऐसे सवाल हैं जो यूनिट 1 से आते हैं और कन्फर्म आते हैं, और आपको पता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, 10 क्वेश्चन में से 5 करने हैं। तो यकीन मानिए, मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि हर साल पूछा ही जाता है, डेफिनेटली वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपका जो एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर है ना, फिलोसफिकल फाउंडेशन, ये बहुत ईजी है। ईजी इन सेंस मतलब क्वेश्चन फिक्स है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, यूनिट 1 के पिछले 5 सालों में से फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया की बात करें तो जितने सवाल आए थे पिछले 5 सालों के, उसको यहाँ पे रखूँगा। फिर हम और आप मिलके उसकी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन में हम जाएंगे कि कौन से टॉपिक और कैसे सवाल आते हैं, और फिर उसके बाद उन टॉपिक को एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में कम्प्लीट आंसर के साथ पढ़ा जाएगा। दो रिक्वेस्ट है आपसे। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप कौन से कॉलेज से एमएड कर रहे हैं, आप वो मैं बता दीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देंगे, हिंदी में देंगे या इंग्लिश में, वो बता दीजिए, ताकि जब हम वीडियोस बनाएंगे तो उसी लैंग्वेज में बनाने को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी बी एमएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 सब्जेक्ट 1 फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम 2018 की बात करें तो यूनिट 1 से सवाल आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस, भारतीय दर्शन की मूल विशेषताओं को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, एक ऐसा सवाल है कि सेम सवाल को 2023 में सेम टू सेम एज इट इज सवाल को पूछा गया था, सेम टू सेम। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या मिला दोस्तों, पहला सवाल हमारा यहाँ से मिला कि हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी यानी कि भारतीय दर्शन की मूल विशेषताएं क्या हैं। करेक्ट, वेरी गुड। दूसरा सवाल 2018 में पूछा था कि राइट इन डिटेल्स अबाउट द एंशियंट इंडियन सिस्टम, प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली के बारे में लिखना है, और ये बताना है कि ये आज के ज़माने में मतलब वर्तमान शैक्षिक प्रणालियों में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या रिलेवेंस है। तो दो सवाल आपका, भारतीय दर्शन की विशेषताएं और दूसरा प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली और का क्या महत्व है, कैसा था, और आज के संबंध में, आज के ज़माने में, आज की शैक्षिक प्रणाली में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है। दो सवाल यहाँ से मिल गया 2018 की अगर हम बात करें तो। चलिए 2019 की अगर हम बात करें तो ये तो बस यूँ समझिए कि पूरा पेपर ही इसी पे भरा है। कौन सा दोस्तों? जिसको हम कहते हैं कि क्लासीफाई द इंडियन फिलॉसफी, जिसको ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स कहते हैं, एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। क्लास, या यूँ समझिए कि इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम कह लीजिए, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कह लीजिए, या द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी कह लीजिए, भारतीय दर्शन के विभिन्न विद्यालयों का वर्गीकरण, भारतीय दर्शन प्रणाली का विस्तार से व्याख्या करें। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, जिसे हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को मानता है या ना मानता, नहीं, वह जो वेद और उपनिषद की अथॉरिटी को, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करता हो, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, जो नहीं करता वो दैट इज हेट्रोडॉक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑर्थोडॉक्स में 6 रहे हैं और हेट्रोडॉक्स में 3 रहे हैं, जैन बुद्धिज्म और चार्वाक, जबकि इसमें क्या रहा है, न्याय, सांख्य और योग, मीमांसा और एक वेदांत और एक और सा रहा वैश्विक। ठीक है, तो ये हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, इनका क्लासिफिकेशन हर साल पूछा है। अच्छा, इन्हीं जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं उसको हम सट दर्शन कहते हैं, यानी कि 7 दर्शन कहते हैं, सट फिलॉसफी कहते हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखा, फिर से सवाल आ गया, 2018 में पूछा था साइलेंट फीचर्स, बेसिक फीचर्स मतलब इसकी विशेषताएं, मूलभूत विशेषताएं पूछ रहा है भारतीय दर्शन की, एंड इंपॉर्टेंस एंड द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, और वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में इसका कितना महत्व है। तो अभी तक आपको तीन सवाल मिले थे, पहला कौन सा, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम के बेसिक फीचर्स यानी कि मूलभूत विशेषताएं, दूसरा था प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली था, एंशियंट इंडियन
फिलॉसफी था और तीसरा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तीन सवाल आपको मिल गए। अब यही दोस्तों 2022 में भी देखेंगे आप, तो 2022 में भी आपसे यही सवाल पूछा गया, डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी और भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सट दर्शन यानी कि ऑर्थोडॉक्स की उसी छह फिलॉसफी की बात की जाएगी। 2022 में सेम सवाल आपसे पूछा गया। अब कोई मिलेगा ही नहीं बाबू, तीन ही सवाल मैंने आपको बताया, तीन सवाल पढ़ लीजिए पूरा यूनिट वन खत्म हो जाएगा, इन्हीं तीन सवाल से आपका सवाल आएगा। 2023 में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, भारतीय दर्शन के मूल विशेषताओं को उदाहरण सहित व्याख्या करिए और राइट इन डिटेल्स अबाउट द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड इट्स रिलेवेंस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। बस खत्म। तीन सवाल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पहला इंडियन फिलॉसफी के सिस्टम्स और उसके बेसिक फीचर्स, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी सिस्टम के बेसिक फीचर्स, दिस इज द फर्स्ट सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स की जो छः शाखाएँ हैं, जो छः हैं जिसको हम सट दर्शन कहते हैं, वो ये तीन सवाल पढ़िए, यूनिट वन कंप्लीट। और एक और मैं आपसे प्रॉमिस कर देता हूँ, जैसे ही आप ये तीन सवाल पढ़ते हैं कि आपका यहाँ से 28 नंबर कन्फर्म हो जाता है, ना? क्योंकि आपको यहाँ से दो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। और तो, ओके, यहाँ से आपको दो सवाल देखने को कन्फर्म मिलेंगे, ठीक है। और यूनिट टू की अगर आप बात करेंगे ना, तो यूनिट टू भी ऑलमोस्ट सट दर्शन से ही है, तो यूनिट टू को अलग देखें। लेकिन यूनिट टू देखने से पहले हम इन तीन सवालों के आंसर देखेंगे, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का बेसिक फीचर्स, दूसरा एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स यानी कि प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली और उसका वर्तमान में संबंध रिलेवेंस, तीसरा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स का क्लासिफिकेशन, ऑर्थोडॉक्स में छः और हेटरोडॉक्स में तीन, इन सबको हम विस्तृत से देखेंगे। अगर देख लेंगे आपका यूनिट वन 100% कम्प्लीट, यूनिट टू भी वन बाई वन करके उसी का क्लासिफिकेशन है, वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होगा। तो यूनिट टू के बारे में अलग में चर्चा करेंगे कि कैसे सवाल पूछा जाता है, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस, ये रिसर्च, ये पांच क्वेश्चंस का डिस्कशन और जो तीन क्वेश्चन आपको बताएं वो आपके बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में। तीन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसी बातें होती रहेंगी और इनका आंसर्स अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।